जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी उम्मीदवार वोट डालने की अपील जनता से कर रहे हैं। वार्ड नंबर 8 के पार्षद पद के लिए चुनावों में उतरे सुशील कुमार सोनी ने कहा कि डोर टू डोर दो तीन बार प्रचार अभियान कर लिया है। उन्होंने कहा कि लोगों का उनको पूरा सहयोग है। सुशील कुमार सोनी ने कहा कि लोगों से मिलकर लोगों की समस्याओं के बारे में भी जाना। उन्होंने कहा कि बाढ़ में जो सड़क बनाई गई है वो जगह जगह से टूटी हुई है। उन्होंने कहा कि उसमें टाइलें लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जहां बिजली पानी सीवरेज की समस्या होगी उसे भी दूर किया जाएगा। सोनी ने कहा कि बाढ़ में जहां भी अच्छी जगह होगी वहां पर बच्चों व बुजुर्गों के लिए पार्क की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए जिम का प्रबंध किया जाएगा। सोनी ने बाढ़ के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि छठे नंबर का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से जिताएं ताकि वे जनता के बीच रहकर जनता की सेवा कर सकें। मैं वार्ड नंबर 8 हमीरपुर से नगर परिषद का चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने अपने वार्ड का 2 बार दौरा कर लिया है और मुझे वार्ड नंबर 8 के प्रबुद्ध मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिला है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जब मैं जीत कर नगर परिषद में जाऊंगा तो मेरा विजन जो है उसमें मैं सबसे पहले तो जो वार्ड नंबर 8 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है उसकी जो सड़क है उसमें पेवर नहीं लगे हैं। 10 साल से उनकी डिमांड है तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं वहाँ पर बहुत जल्दी उसकी वहाँ पर पेवर लगाऊंगा, टाइलें लगाऊंगा। इसके अतिरिक्त पूरे वार्ड में जहाँ भी सीवरेज की व्यवस्था है उसका उचित प्रबंध किया जाएगा। जिन जिन घरों में सीवरेज के कनेक्शन नहीं मिले हैं वहाँ उनको कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं पूरे वार्ड की जितनी भी रास्ते हैं, गलियां हैं और जहाँ पानी की निकासी नहीं है उन रास्तों की पूरी मरम्मत होगी, देखरेख होगी और साथ में पानी का निकासी का भी पूरा प्रबंध होगा। इसके अतिरिक्त जो स्ट्रीट लाइट होती है उसका भी पूरा उसकी व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त की जाएगी और जहाँ पे लाइटों की कमी है वहाँ नई लाइटें भी लगाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त पूरे वार्ड में जहाँ भी जगह उपलब्ध होगी सीनियर सिटीजनों के लिए, बच्चों के लिए घूमने के लिए, टहलने के लिए पार्कों की व्यवस्था करवाऊंगा, बच्चों के लिए वहाँ पे झूलों का प्रबंध कराऊंगा और इसके अतिरिक्त नौजवान साथियों के लिए जिम की व्यवस्था भी करवाऊंगा। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ पूरी वार्ड नंबर की प्रबुद्ध जनता को कि जो भी उनके छोटे मोटे काम हैं, चाहे वो उन्होंने दफ्तर में जाके किसी ने पानी का कनेक्शन लेना हो या बिजली के कनेक्शन लेना हो या और भी कई काम होते हैं उसके लिए भी उनको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उनके काम घर द्वार तक ही उनके काम करवाया जाएंगे। मैं वार्ड नंबर 8 के प्रबुद्ध मतदाताओं से कोई अवगत करवाना चाहता हूँ कि मैं अकेला एक ऐसा प्रार्थी हूँ जो सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, शाम को 9 बजे तक वार्ड के मध्य में रहता हूँ। मैं मेरा जो पिछला जीवन है उसका 80% जो भाग है वो वार्ड नंबर 8 के मध्य में बीता है और मैं पिछले 35 वर्षों से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैं आपको आगे भी विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा जो अगला जीवन है, शेष जीवन है उसका भी पूरा हिस्सा जो है जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक मैं आपको उपलब्ध रहूंगा। और मैं अंत में आपसे यही अपील करता हूं कि 10 जनवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और 10 जनवरी के दिन बेल्ट पेपर के 6 नंबर के ऊपर जो रेलगाड़ी का इंजन है उसके बटन को दबाकर मुझे भारी बहुमत से भेजे बनाए और नगर परिषद भेजें जिससे कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ और आपके काम कर सकूँ।